वालेकुम सेवन क्लास, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? ठीक हैं स्टूडेंट्स? देखें सर, आज हम रीडिंग करेंगे मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फार्मूला। मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और द कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल सबसे छोटा ज़र्रा है किसी भी एलिमेंट का और कंपाउंड का, और वो आज़ाद दना किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है और अपने खसूसियात और तमाम खसूसियात किसी भी एटम और एलिमेंट की शो करता है। इट मे बी अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज हीलियम। अब ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यानी कि इसका एक एटम भी हो सकता है, एक एटम वाला मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, एटसेट्रा। टू और मोर एटम्स कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। दो या दो से ज़्यादा एटम भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वाटर। अब वाटर में एक भी है और दो मॉलिक्यूल्स भी है, हाइड्रोजन गैस हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। अब देखिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ना, दो मॉलिक्यूल सेम टाइप के हैं, ठीक है। और अब ये देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन के भी टू मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन के भी टू मॉलिक्यूल्स, और आपस में किस तरह बाइंड हुए हैं। एटम्स ऑफ द सेम काइंड कम्बाइंड टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट। अब ये देखिए मीथेन में एक होती है कार्बन और फोर है हाइड्रोजन, तो चारों जो है वो किस तरह बाउंड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, बॉन्ड्स भी बनाते हैं, ठीक है, और किस तरह बाउंड हो रहे हैं ये इसके साथ, ऐसे फोर के फोर में के एटम। आगे देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। इसी तरह आगे है वाटर, वाटर में भी एक है ऑक्सीजन और दो है हाइड्रोजन। आगे देखते हैं ज़रा केमिकल फार्मूला। डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल्स एंड द वैलेंसी इज कॉल्ड द केमिकल फार्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल का बयान करना इस तरह कि उसका सिंबल और उसकी वैलेंसी जो है वो जाहिर हो, उसके सिंबल और उसकी वैलेंसी को हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। अब हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह सिंबल और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल शोज काइंड ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल, के कितने काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, नंबर ऑफ एटम ऑफ द ईच एलिमेंट, और ईच एलिमेंट एक एलिमेंट के अंदर मॉलिक्यूल की तादाद कितनी हैं, एटम की तादाद कितनी, सॉरी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट कंटेन्स टू हाइड्रोजन एटम, ये टू हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल होता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज द फार्मूला ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच शोज दैट टू एटम ऑफ द हाइड्रोजन कम्बाइंड विद वन कार्बन एटम। इसका मतलब यह है कि एक कार्बन एटम जो है वो दो ऑक्सीजन एटम के साथ मिल रहा है, कम्बाइन हो रहा है। अब ये देखें जिसमें दो हाइड्रोजन थे, दोनों एक दूसरे के साथ कम्बाइन हो रहे थे, ये एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन के साथ कम्बाइन हो रहे हैं। राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला लिखना कैसे है? द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट विद द सबस्क्रिप्ट। द सबस्क्रिप्ट टेल्स द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब ये देखें, ये हमें शो कर रहा है कि दो है, दो एटम है, इसमें थ्री हैं, इसमें भी थ्री हैं, ये ओजोन है और ये है क्या है, क्लोरीन गैस है, क्लोराइड भी इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद है द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अ सबस्क्रिप्ट इज गिवन व्हेन टू और मोर एटम ऑफ द एन एलिमेंट आर प्रेजेंट, व्हेन नो सबस्क्रिप्ट इज गिवन द नंबर ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड एज वन। ठीक है, समझ आ गई स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि अगर तो हमें कोई सबस्क्रिप्ट यानी कि किसी भी एलिमेंट या एटम के ऊपर उसकी वैलेंसी ना दी गई हो तो उसको अज्यूम कर लेते हैं हम वन, अगर तो दी हुई हो हम उसको काउंट कर लेते हैं। अब आगे देखें हाउ टू प्रोनाउंस अ फार्मूला। वी कैन प्रोनाउंस अ केमिकल फार्मूला H2O है, ये देखिए H2O, वाट इज प्रोनाउंस एज H2O, ये फार्मूले को इस तरह प्रोनाउंस हमने करना है। आगे देखें ज़रा C12H22O11। अब हम क्या पढ़ेंगे, C12H22O11, ठीक है, ये शुगर का फार्मूला है, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।